देख सकते हैं सैनिक वगैरह इसमें ठहरा क्या करते थे और साथ ही अपने हथियार रखा क्या करते थे। और सामने आपको एक काफ़ी बड़ी बिल्डिंग भी नज़र आ रही है, वाइट कलर की, काफ़ी सुंदर है। और ये यहाँ से लोग काफ़ी गुजरते भी हैं। और तो इस जगह की जो मिट्टी है, यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि उन बलिदानों की जो खून था वो आज भी इस मिट्टी के अंदर समाया हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और आज मैं फिर से आपके लिए एक मोटिवेट भरी अपने इतिहास से जुड़ी हुई कहानी और ऐसी धरोहर दिखाने वाला हूं जिसको देखने के बाद आप खुश हो जाएंगे और आपका मन कहेगा कि हम भी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करें। तो दोस्तों आज मैं आया हूं राजस्थान के सीकर जिले के खंडेला नगरी के अंदर और खंडेला में आपको मैं दिखाने लेकर आया हूँ ये यहाँ पर बना एक दरवाज़ा देता है। दिखने से हमें ये वाइट कलर का देता है लेकिन इसका नाम पड़ा हुआ है काला दरवाज़ा। इसके पीछे की कहानी क्या है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, तो दोस्तों वीडियो के साथ में बने रहना। अभी सबसे पहले हम एक थोड़ा सा दरवाजे को देख लेते हैं कि किस तरह से इस दरवाजे को बनवाया गया था। सबसे पहले हम वहाँ लेफ्ट की तरफ नज़र डालते हैं तो तरफ छोटे छोटे हमें ये झरोके नज़र आते हैं जो खाने हमें नज़र आते हैं हल्के हल्के। कितनी सुंदर तरीके से इसको बनवाया गया था। तो थोड़ा सा नीचे आते हैं हम लोग यहाँ पर तो इसके ऊपर एक विंडो नज़र आ रही होगी आपको यहाँ पर बाहर की तरफ निकली हुई, ये भी काफ़ी सुंदर हमें नज़र आती है। और जस्ट इसके नीचे आपको एक छोटा सा गेट नज़र आ रहा होगा लकड़ी का जो टूटने की कगार पर है पूरा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये है उस समय की दुकानें, यहाँ पर दुकानें क्या करती थी आज़ादी के बाद, लेकिन उससे पहले यहाँ पर खड़े होने की जगह होती थी। सेम उसी प्रकार देखिए इधर नज़र डालिए इस दरवाजे की तरफ, तो यहाँ पर भी थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए लकड़ी का गेट आपको नज़र आएगा यहाँ पर। उसके बाद में आपको लोहे की ग्रिल नज़र आ रही होगी इस विंडो के अंदर जो एक मंदिर के शेप के अंदर बाहर की तरफ विंडो निकली हुई है। और उसके बाद में आपको इसके बीच का हिस्सा देखिए, बीच का हिस्सा कुछ ऐसे गुम्बद टाइप में बनवाया गया था और इसमें आपको तीन बड़े बड़े ये विंडो नज़र आ रहे होंगे जो कितना खूबसूरत हमें नज़र आता है और काफ़ी दूर दराज से ये पूरा दरवाज़ा दिखाई देता था। तो अब बात करेंगे हम आगे इस दरवाजे के बारे में, इसकी खूबी के बारे में और साथ ही जानेंगे कि आखिर इसका काला दरवाज़ा नाम क्यों पड़ा, क्यों हमें अपने इतिहास से जोड़कर रखता है। तो आइए मेरे साथ दोस्तों, इस दरवाजे के मैं अंदर खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी बड़ी सिल्लियों का प्रयोग किया गया था और इस पूरे दरवाजे को बनवाया गया था चूना पत्थर। और इसके बनने की जब हम बात करते हैं तो लगभग इसको दरवाजे को बने हो चुके हैं लगभग 600 से 700 बरस हो सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ आप ये बाद में चबूतरा बनवाया गया था, इस दुकान के लिए रास्ता था, यहाँ पर दुकानें लगती थी। देखिए ये है दुकान का वो गेट और ये यहाँ पर पूरा सामान रखा क्या करते थे उस समय। तो अब थोड़ा सा मैं अंदर का हिस्सा दिखाता हूँ आपको, देखिए यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा दरवाज़ा लगता था क्योंकि ये हिस्सा देख पा रहे, थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए, ये चौखट का हिस्सा होता है जो इसके अंदर दरवाज़ा फिट होता है और इधर भी है। तो पूरा दरवाज़ा यहाँ पर बनवाया गया था, ये एक काफ़ी बड़ी धरोहर है। दिखने में आपको ये दरवाज़ा लग रहा होगा लेकिन अपने आप में एक महल से कम नहीं है दोस्तों, काफ़ी बड़ा ये दरवाज़ा है। तो थोड़ा सा अंदर हम और आते हैं तो यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा लकड़ी का एक दरवाज़ा लगता होगा उस समय के अंदर, और कितना शानदार उस समय लगता होगा कि इतना बड़ा दरवाज़ा जो आसानी से टूटने वालों में से नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब राज किसी और का होता है तो वो दरवाजे टूट ही जाते हैं। तो इस ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आपको आगे पता चलेगा कि इसका नाम काला दरवाज़ा क्यों पड़ा और इसके दरवाजे। तो दोस्तों मैं आपको इसका इतिहास बताता हूँ कि इसको बने हुए लगभग 600 से 700 वर्ष हो चुके हैं। पुख्ता प्रमाण तो नहीं है कि इसके ऊपर कितने राजाओं का शासन रह चुका है और कितने एग्जैक्ट कितने साल उसको हो चुके बने हुए। दोस्तों अनुमान मैं लगा रहा हूँ 600 से 700 साल पुराने। और जब औरंगजेब का शासन था यहाँ पर तो औरंगजेब ने एक मुहिम चलाई थी जो हिंदू मंदिर थे और साथ ही उनकी जो धरोहरें थी पुरानी उनको तोड़ने की। तो जब औरंगजेब की नज़र पड़ी शेखावाटी उदयपुर वाटी की तरफ तो यहाँ पर उन्होंने अपने सैनिक भेजे इस धरोहर को तोड़ने के लिए, इस दरवाजे को तोड़ने के लिए और यहाँ पर एक बड़ा पाना जो गढ़ बना हुआ है उसको तोड़ने के लिए। तो औरंगजेब के जब यहाँ पर सैनिक आए यहाँ पर इन धरोहरों को तोड़ने के लिए, तब यहाँ के सैनिक इतने डटे रहे उनके सैनिकों के सामने क्योंकि औरंगजेब के सैनिकों के पास में वो हथियार
थे उनके पास में भाले, तलवारें, काफ़ी सारी चीज़ें उनके पास में, बंदूकें जो भी उस समय हुआ करते थे सब कुछ था, लेकिन यहाँ के जो सैनिक थे वो मात्रा में भी कम थे और उनके पास में इतने तलवारें नहीं थी। फिर भी उन्होंने डटकर सामना किया और इस पूरे दरवाजे को तोड़ने नहीं दिया और अपने जान गवा दी, अपने बलिदान दिया उन्होंने। तो इस जगह की जो मिट्टी है, यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि उन बलिदानों की जो खून था वो आज भी इस मिट्टी के अंदर समाया हुआ है और इस दरवाजे के ऊपर इतने सारे सैनिक मारे गए जिसकी हम तुलना आज वर्तमान समय में नहीं कर सकते हैं। इसलिए उस घटना के बाद इस दरवाजे को काला दरवाजा के नाम से पुकारा जाने लगा, जो आज आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं कि इतने साल पुराना दरवाजा जिसकी वजह से यहाँ एक गेट ना टूटे, इस वजह से इतने सारे सैनिक अपनी जान को नछावर दे दिए थे उस समय, इसलिए इसका काला दरवाजा नाम पड़ा। और अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि इस दरवाजे के अंदर एक रूम था काफ़ी बड़ा, ये यहाँ पर रूम बना हुआ है। इसके अंदर की तरफ ऊपर की जब हम नज़र डालते हैं तो देखिए कितनी हाइट है इसकी, लगभग मैं दोस्तों मान सकता हूँ इसकी 30 से 35 फुट इसकी दरवाजे की हाइट है और कंप्लीट में इसकी 50 फुट इसकी पूरी हाइट मान सकता हूँ। उसकी जो ऊपर की जो हिस्सा है वो उसको लाखोरी ईंट से बनवाया गया था, चूना पत्थर से बनवाया गया था और काफ़ी अच्छे इसके अंदर डिज़ाइन दिए गए थे। और इधर भी आप ये रूम यहाँ पर देख सकते हैं, सैनिक वगैरह इसमें ठहरा किया करते थे और साथ ही अपने हथियार रखा किया करते थे। दोस्तों ऐसी जानकारी शायद ही आपको कोई देता होगा, मैं इतनी अच्छे तरीके से आपको इतनी जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों, ये मेहनत सिर्फ आपके लिए की जा रही है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि हमारे यूथ को, हमारे जवानों को पता चले कि हमारे जो पुराने जवान थे इतिहास के अंदर उन्होंने अपनी जान कैसे दी थी। तो ये एक दरवाजा इसके अंदर बनवा। दोस्तों वैसे तो खंडेला का काफ़ी बड़ा इतिहास है, लेकिन जो यहाँ पर दरोर बनी हुई है उनका भी अपने आप में छोटा छोटा इतिहास है। तो खंडेला के अंदर टोटल दोस्तों 7 गेट है ऐसे बड़े बड़े, जो 3 गेट है वो बाहर की तरफ है और जो 4 गेट है बाकी वो गढ़ के अंदर की तरफ है। तो यहाँ पर फोरनर राजा थे इधर, तो उनकी एक जिद थी कि यहाँ पर वो रिश्ता तभी जोड़ेंगे जब उनको 7 दरवाजों से नवाजा जाएगा, एक तरह से स्वागत किया जाएगा। ऐसा कुछ सुनने में आता है कि वो जब यहाँ पर शादी करने के लिए आए थे तो उनकी डिमांड थी कि उनके स्वागत में 7 दरवाजों से होकर वो गुजरे। तो यहाँ पर 7 दरवाजे थे, 3 बाहर की तरफ और 4 अंदर की तरफ। और दूसरी चीज़, वो जैसे अलग अलग राजाओं का यहाँ पर शासन रहा है, जैसे मेहर सिंह है और भी बहुत सारे हैं, उसके बाद में ऐसा बताया जाता है कि इस पूरे दरवाजे को एक भोंगड़े बेचने वाले ने खरीद लिया था, ये ऐसे की कहानी है। ये गेट है ना दोस्तों, ये भोंगड़े बेचने वाले ने अपनी दुकान लगाई थी यहाँ पर इन दोनों गेट में, रूम के अंदर। तो ऐसे बताया जाता है कि उसके बाद में ये पूरा ऐसे खंडर होता चला गया और इसकी तरफ कोई भी देख रेख का ध्यान नहीं है। और ये सेम मेन मार्केट का रास्ता है, सामने आपको नज़र आ रहा है और सामने आपको एक काफ़ी बड़ी बिल्डिंग भी नज़र आ रही है वाइट कलर की, काफ़ी सुंदर है। और ये यहाँ से लोग काफ़ी गुजरते भी हैं और इस दरवाजे की कोई भी देख रेख नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे ही खंडर होता जा रहा है पूरा। मैं तो सरकार से यही गुहार लगाऊंगा, यहाँ की सरकार से, यहाँ के प्रशासन से, कि इस दरवाजे की तरफ ध्यान दें और इसको रिपेयर किया जाए, इसको मरम्मत किया जाए। जैसे कि ये टूट रहा है यहाँ से, ऐसे इसको रिपेयर कर एक पर्यटक स्थल जरूर बनाया। तो दोस्तों आपने इस गेट का सामने का हिस्सा देखा, अंदर का हिस्सा देखा और साथ इसकी कहानी भी जान ली है। और ये इसके बिल्कुल इनसाइड आने के बाद का हिस्सा है, सामने से देखिए आप यहाँ से अंदर की तरफ से कि काफ़ी बड़ा ये गेट नज़र आता है। यहाँ पर गेट था पूरा और यहाँ पर एक सैनिक खड़े होने की जगह भी थी, इधर रूम भी बना हुआ है। तो पूरा एक महल की शेप दी गई थी इस पूरे गेट को, काफ़ी बड़ा गेट था ये। और यहाँ पर ये दुकानें भी बनवाई गई थी, देखिए ये वाली, और यहाँ देखिए सैनिक खड़े होने की जगह है। और सामने आपकी छोटा सा गेट नज़र आ रहा होगा, वो भी कुछ ना कुछ औजार वगैरह रखने के लिए काम आता होगा। तो दोस्तों ये काला गेट खंडेला का है, जो इसका काला गेट नाम क्यों पड़ा वो सब आपने जान लिया है। तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और इतनी मेहनत सिर्फ आपके लिए की जाती है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें और अपना प्यार अपने भाई को दिखाएं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, धन्यवाद।